फ्रेंड्स, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मोटापा भी अपने आप में बहुत परेशानी देता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुबला पतला होना, कमजोर होना, ये भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा परेशानी देता है। और आज के टाइम पे अगर 60% लोग मोटे हैं तो 40% लोग अंडरवेट भी हैं। बहुत ज्यादा पतले दुबले होते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं अपने वेट को लेके, क्योंकि अंडरवेट जब हमारा होता है तो हमें क्या होता है, कपड़े पहनने में बहुत परेशानी होती है, कोई भी कपड़े फिटिंग नहीं आते हैं, गाल हमारे बहुत पिचके पिचके रहते हैं, हमारी आंखें अंदर चली जाती हैं। तो दोस्तों, उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्मूदी लेके आई हूँ, ऐसा शेक लेके आई हूँ जिसे पीने के बाद आप अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करेंगे और जो आपका वेट है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कोई भी कमजोरी, कोई भी वीकनेस ऐसा नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा, कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत आपको नहीं होगी। सो हाई एवरीवन, मैं हूं शिखा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 डेट्स लिए हैं। डेट्स के तो फायदे यानी कि खजूर के फायदे जो है ना वो सभी को पता होंगे, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारी हड्डियों को ताकत देता है। अगर आप इसे रोजाना दूध में मिला के रात को पीते हैं ना 2 खजूर, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी वीकनेस, बिल्कुल भी कमजोरी, थकान ये सब नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे डेट्स के बीज को निकाल दिया है और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको डेट्स बहुत ज्यादा टाइट लगे तो आप इसे गैस पे थोड़ा गर्म कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बीज वाला लिया था, अगर विदाउट बीज वाला आपको मिल जाता तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। अब दूसरी चीज जो हमें लेनी है यहाँ पे गुड़। गुड़ के भी फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, ठंडियों में बहुत ज्यादा खाया जाता है क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है ना गर्म होती है। ठंडियों में इसे हर चीजों में, हम लड्डू वगैरह बनाते हैं, भी हलवा वगैरह बनाते हैं तो ज्यादा गुड़ खाना पसंद करते हैं। काफी लोगों को गुड़ की चाय भी पीना बहुत पसंद होती है। तो गुड़ के क्या क्या फायदे होते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोगों को आजकल पता ही है गुड़ के क्या क्या फायदे होते हैं। हमारे दादी नानी के जमाने में जो गुड़ का ही इस्तेमाल होता है हर चीजों में, चीनी का तो पता ही नहीं था किसी को कि बहुत ज्यादा चीनी कोई यूज करता था। अब इस रेसिपी की तीसरी चीज है जो है बनाना। बनाना में तो पता ही है आपको कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये हमारे हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है और साथ ही साथ वेट गेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो केला हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जरूर हमें 1 केला रोज खाना चाहिए। अब हमारी रेसिपी की चौथी चीज है जो है भुना चना। भुने चने के फायदे तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जितने फायदे मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, कैल्शियम से बहुत ज्यादा भरपूर होता है, वेट गेन और वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं ना उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है, उन्हें रोजाना 1 कटोरी चना तो खाना ही चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग मैंने 50 ग्राम के करीब भुना चना लिया है। ये विदाउट छिलके वाला है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप छिलके वाला लेते हैं तो उसके ऊपर के जो छिलके हैं ना वो निकाल दीजिएगा। चलिए आज की वेट गेन रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, इसमें हम भुने चने को डाल देंगे और चने को हमें सबसे पहले पीसना है। ये ढक्कन को बंद कर लेते हैं और इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने चने को तो पीस लिया है। अभी यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत अगर दरदरा रह जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो मैं इस रेसिपी को सिर्फ 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी सारी चीजों की कम ली है। यहाँ पे अगर आप पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए बना रहे हैं या फिर 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं तो सारी क्वांटिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। अब हमने जो केले लिए थे ना उसे कट करके इसमें डाल लेंगे। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसको वेट गेन का प्रॉब्लम है ना, वेट गेन बहुत ही जल्दी आपका होगा, 15 दिन सिर्फ आपको ट्राई करना है। और जिसे बहुत ज्यादा पेन होता है ना, हड्डियों में मसल्स पेन होते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन बना रहता है हमेशा, वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। 15 दिन आप पीजिए, इसे 15 दिन के बाद आपके जो बदन दर्द, हड्डियों में दर्द है ना, सारे दर्द गायब हो जाएंगे। गुड़ और खजूर को डालने के बाद यहाँ पे मैंने दूध डाला है, लगभग 1 ग्लास के करीब मैंने दूध लिया है। दूध को अच्छे से पहले से गर्म कर लिया था। अब काफी लोगों को दूध से एलर्जी भी होती है, दूध की जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लीजिए, हमारी यम्मी सी और बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली स्मूदी या फिर आप शेक कह लीजिए बनके तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, काफी लोगों का कहना होगा कि ये सारी चीजें तो हम ऐसे भी खा सकते हैं तो हमें क्यों शेक बनाना है। तो जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन काफी लोगों को टाइम नहीं मिलता है, एक साथ चीजें नहीं खाते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस तरीके के शेक बना के पीते हैं ना तो आपको पीने में भी मजा आएगा और आपको यहाँ पे पीने में टाइम भी नहीं लगता है और इसके सारे बेनिफिट भी आपके बॉडी में मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े आलमंड से गार्निश किया है, ये आपकी चॉइस है, कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। नहीं ड्राई फ्रूट पसंद है तो कोई बात नहीं है। और हाँ, आपको बता दूं, दूध की जगह पे दही या पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसको भी वेट गेन की प्रॉब्लम है, वेट गेन नहीं हो रहा है, जल्दी से आप इसे ट्राई कीजिए, 15 दिन ट्राई कीजिए। 15 दिन के बाद आप रिजल्ट कैसा मिलता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।